मेरा नाम संजीव यादव, मैं एलन इंस्टीट्यूट कोटा के लीडर कोर्स में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ आईआईटी की कोचिंग करने के लिए आया था। एक दिन मेरे को मेरे आँख में पेन हो रहा था, तो मैं मतलब मेरे को पास वाले किसी ने उन्होंने बताया कि SBI के पास जा, तो मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट किया, तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही हेजिटेशन फील कर रहा था, तो मैं सुन सर ने मेरे को बता दिया कि बेटा जस्ट रिलैक्स रहे। डॉक्टर साहब ने मेरे को मतलब जब मैं आई चेक कराने आया तो उन्होंने मेरे को किताब दी, जो मतलब मेरी किताब मेरी दोस्त थी उस मतलब, और डॉक्टर विदुषी शर्मा ने उसको लिखा था। जिस उस बुक को पढ़ने से मेरे को बहुत मतलब मेरा जीवन टोटली डाइवर्ट करने का मेरे को मौका मिला और अच्छा जीवन व्यतीत करने का मेरे को बहुत अवसर मिला। उनसे मेरे को बहुत चीज़ मिली, जो मतलब ऐसा कहते हैं ना जो कि एक घड़े में सागर भर दिया, तो उस टाइप जैसा है वो बुक। और मतलब हर जो कोटा में पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि बच्चे यहाँ से बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। मैं भी उस टाइम बहुत था स्ट्रेस फील कर रहा था, और मतलब मैं कुछ गलत डिसीजन ले सकता था यदि मैं उस दिन वो उस बुक मेरे हाथ में नहीं होती। तो फिर मैं उसको पढ़ना शुरू किया, तो मेरे में थोड़ा थोड़ा चेंज, और मतलब जो मतलब खुश रहना चाहिए, कैसे जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और मतलब किस टाइम मतलब सक्सेस का सबसे ज़्यादा उसमें बताया, खुश और सफलता का मतलब। और जो मैं मतलब उस किताब को मतलब मेरी दोस्त की तरह ही लगता हूँ, और उसने मेरे को मतलब बहुत इंप्रूवमेंट करने के लिए मतलब इतना किया। और वो क्या बहुत है मतलब ऐसे मतलब मैंने कभी पहली बार किताब पढ़ी थी, पहली बार मैं ऐसे तो किताब पढ़ता ही नहीं था, जस्ट ऐसे ही मतलब सोचता था, पर पहली बार पढ़ने से मेरे को बहुत मतलब मोटिवेशन हुआ, और इससे मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू विदुषी मैम दैट शी हैज रिटन सच काइंड ऑफ दिस बुक।